इससे ज्यादा विश्वास पात्र कोई दोस्त आपका हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि यही तो है जो हमें सपने भी दिखाता है और उन्हें पूरा भी करता है। मैं बात कर रही हूँ हमारी आंखों की। 95 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ आरजी अरुंधति बिग चाय में। आज है वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। ये क्यों मनाया जाता है इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ बिग चाय में इस वक्त बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मेरे साथ हैं एएसजी हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्युष रंजन। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुंधति। सर आखिर वर्ल्ड साइट डे क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है? अरुंधति जैसा हम जानते हैं कि 80% जो ब्लाइंडनेस है पूरे दुनिया में वो अवॉइडेबल है और प्रिवेंटेबल है, यानी 80% लोग जो अंधे हो जाते हैं उन्हें अंधा होने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो वर्ल्ड साइट डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम उन अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के कारणों को जानें, उनका समय पर इलाज करें ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप अंधे होने से बचें। ये जो आंखें हैं जिनको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं क्योंकि आपका साथ दे रहे हैं, कैसे इनका ख्याल एक्चुअली रखना चाहिए आपको बताएंगे आपसे थोड़ी देर में। मेरे साथ हैं एएसजी हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्युष रंजन। 95 बिग एफएम पर धुन बदल के तो देखो। मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। एंजॉय कर रहे हैं आप बिग चाय मेरे यानी आरजे अरुंधति के साथ 95 बिग एफएम पर। मानव शरीर का सबसे खूबसूरत अंग और सबसे इम्पोर्टेंट अंग है आंखें, जिसका ख्याल हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और आज है वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। ऐसे में मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट बिग चाय में। मेरे साथ हैं एएसजी आई हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्युष रंजन। सर ऐसी कौन सी हमारी आदतें हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी आंखों को नुकसान कर रहे हैं? सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में स्मार्टफोन या स्क्रीन टाइम, हम उसको मेडिकल भाषा में स्क्रीन टाइम कहते हैं, मतलब आप कितनी देर स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड या इस तरह के स्क्रीन पे आप कितनी देर है। और ये इसकी वजह से इतना इफेक्ट है आंख पर और साथ में स्पेशली बच्चों में पर्सनालिटी पे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम इन इट्स क्रिएशन उसने 70 साल में पहली बार एक गाइडलाइन इशू किया है कि कितना इस उम्र में कितना मोबाइल या टीवी या इस तरह की चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि उससे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं आंखों पर और आपके पर्सनालिटी पर। जैसे छोटे बच्चे रात को मोबाइल लेके बिस्तर में जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती, वो देर रात तक उसमें लगे रहते हैं, सुबह उनको टाइम पे तो स्कूल जाना होता है तो उनका नींद का क्वालिटी कम हो जाता है, फिर वो क्लास में उतने अटेंटिव नहीं रहते, मेमोरी लैप्स होने लगता है, वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। और आजकल बहुत फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे सेक्सुअल या वॉयलेंट मटेरियल इंटरनेट पर, तो बच्चों के पर्सनालिटी पे भी उससे असर पड़ने लगता है। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन टाइम के लिए जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है नेट पर, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट गाइडलाइन है, गूगल में सर्च करें आपको मिल जाएगा। और उसको हर आदमी अपने घर में स्ट्रिक्टली फॉलो करे। एक घर में ये बात बिल्कुल समझ के रखें कि बच्चे आपको फॉलो करते हैं, वो आपके बनाए रूल नहीं मानेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। इसलिए पेरेंट्स को भी थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना है सो दैट बच्चे उनको देख के सीखे। सोने का एक टाइम फिक्स करें, उसके एक घंटे पहले सारे गैजेट ऑफ कर दें, बिस्तर में लेके कोई भी गैजेट नहीं जाए, ये बेसिक स्क्रीन हाइजीन हम कहते हैं, उसको फॉलो करें। तो ये जो फोन देख रहे हैं ना आप, अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम कीजिए क्योंकि ये आंखों का सवाल है। 95 बिग एफएम पर बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज वर्ल्ड साइट डे पर मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट। मेरे साथ हैं एएसजी आई हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रत्युष रंजन। 95 बिग एफएम पर धुन बदल के तो देखो। ट्यून क्या है आपने अपना फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन 95 बिग एफएम। शो का नाम है बिग चाय और मैं हूँ आपके साथ आरजे अरुंधति। आज है वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। मेरे साथ है इस वक्त इस मौके पर बड़े ही स्पेशल गेस्ट एएसजी हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्युष रंजन। सर इंडिया में दृष्टिहीनता ब्लाइंडनेस के क्या रीजंस हैं मेन? भारत सरकार हर 2-3 साल में एक ब्लाइंडनेस सर्वे कराती है ऑल ओवर इंडिया। तो लेटेस्ट ब्लाइंडनेस सर्वे के हिसाब से 62.6% ब्लाइंडनेस जो है वो मोतियाबिंद की वजह से, यानी कैटरैक्ट की वजह से। 20% जो ब्लाइंडनेस है वो बहुत ज्यादा नंबर के चश्मों की वजह से है। और उसके बाद अराउंड 6-7% ब्लाइंडनेस जो है वो ग्लोकोमा यानी काला मोतिया या स्मॉल बाई उसकी वजह से है। और उसके बाद के कारणों में
पर्दे के बहुत सारे, रेटिना के बहुत सारे डिजीजेज जैसे डायबिटीज आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इनकी वजह से है। लेकिन इसमें ना बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, जैसे कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, वो उम्र के साथ का बदलाव है। जैसे उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं, आंख का लेंस भी सफेद होने लगता है। तो पुराने जमाने में उसका इलाज या सर्जरी तब करी जाती थी जब वो पक जाता था, पर आज के जमाने में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के जमाने में हम सर्जरी तब करना चाहते जब आपको चश्मे के साथ भी देखने में दिक्कत होने लगे। तो मोतियाबिंद का इलाज शुरू में चश्मा है, और जब तक आपका चश्मे से काम चल रहा है हम चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं, और जब आपको लगे कि नहीं ये चश्मे से भी मेरे को दिक्कत हो रही है तो हम कैटरेक्ट की सर्जरी प्लान करते हैं। आज के जमाने में कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद कोई भी चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होती, आप दूर पास सब बिना चश्मे के देख सकते हैं। सर्जरी एज सच बहुत यूजफुल होती है, पेनलेस होती है, मरीज को कोई भी सुई नहीं लगती, कोई पट्टी नहीं लगती, ऑपरेशन के तुरंत बाद घर जा सकते हैं। सारे परहेज मुश्किल से 5 दिन के होते हैं, 5 दिन के बाद आप सर से नहाना, चेहरा धोना, ये सारा काम कर सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात है, अभी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बाकी है, बनारस तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आती हूँ मैं बस थोड़ी ही देर में 95.5 FM पर, धुन बदल के तो देखो। सिर्फ यही एक ऐसी चीज है दुनिया में जो आपको दुनिया की अच्छाई हो या बुराई हो बिना पक्षपात किए दिखाती है, तो जाने अनजाने इसके साथ बुरा करना तो बंद कीजिए। एंजॉय कर रहे हैं आप बिग चाय मेरे यानी आरजे अरुंधति के साथ 95.5 FM पर, और ये है आपकी आंखें। आज है वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। मेरे साथ इस मौके पर बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ है ASGI हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्युष रंजन। सर, जाने अनजाने ना जाने कितनी बार हम इन आंखों का नुकसान करते हैं, हम इन आंखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? दो तीन बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि हमको आंख को मलना नहीं चाहिए। कई बार हम ट्रैवल करते हैं, आंख में कुछ चला गया और फर्स्ट रिएक्शन होता है कि खुजली हो रही है, इसको मल देना है। तो मलना तो बिल्कुल मना है। मलने से दो तीन चीजें हो सकती हैं। अगर आंख में एक छोटा भी कण गया है आप मल देंगे तो वो पलक और कॉर्निया के बीच में अगर वो कण होगा तो आपके कॉर्निया यानी कि आंख के सबसे आगे की जो परत है उसको स्क्रैच कर देगा, और कॉर्निया जो है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती तो उसमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, और उसमें इन्फेक्शन होने से दाग बन जाता है, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। कभी भी आंख में लगे कि कुछ चला गया या आपको इटीनेस खुजली जैसी लग रही हो तो साफ पीने के ठंडे पानी से धुलें। दूसरा, बाहर निकलने से जरूर गॉगल्स यूज करें। गॉगल्स फैशन एक्सेसरी नहीं है, गॉगल्स जो है वो जरूरत है। जैसे हम बाहर निकलने से हेलमेट लगाते हैं, बाहर निकलने से जूते पहनते हैं, उसी तरीके से बाहर निकलने से अगर आपको कोई चश्मा नहीं लग रहा है फिर भी गॉगल्स यूज करना चाहिए। वो आपको सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ब्राइट लाइट से बचाता है, डस्ट से बचाता है, पॉल्यूशन से बचाता है, उसका असर आपकी आंखों में कम होता है। तीसरा कि आपको एक नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स ज्यादा हो, तो ऐसा रिकमेंडेशन है कि दिन में 2 से 3 तरह के फ्रूट्स तो लेने चाहिए, और स्प्राउटेड सीरियल्स लेने चाहिए जैसे अंकुरित चना हो गया, मूंग हो गया, इस तरह का चीज। ऐसा देखा गया है कि 45 मिनट से 1 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज से आंखों का हेल्थ में भी असर होता है। तो 45 मिनट से 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जॉगिंग, जिम, व्हाटएवर जो आपको पॉसिबल हो, स्पोर्ट्स किसी तरह का, वो जरूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और अगर आपने ये सारी बातें सुन ली है ना, तो इनको फॉलो भी कीजिए और अपने आसपास अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फॉलो करवाइए 95.5 FM पर। फिलहाल मेरा जाने का वक्त हो गया है, मैं मिलूंगी कल आपको सेम टाइम सेम जगह 7 से 11 बजे चाय में, ओनली ऑन 95.5 FM। धुन बदल के तो देखो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग।